साड़ी गड्डी की आज है हल्दी और भाई हम लोग लगवा चुके हैं अपने बफे के प्लेट। भाई फूड ब्लॉगर की शादी और उसमें बफे ना दिखा, ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई हम लोगों ने ले ली अपनी प्लेट। अचार एक ऐसी चीज है जो प्लेट में डलती तो हर किसी की है, मगर एंड में वो ऐसी पड़ी रहती है, खाता कोई नहीं है उसको। सैलेड ले लेते हैं, पापड़ भी ले लेते हैं, मिक्स रायता, ग्रेवी मंचूरियन। ये वेज बिरयानी भैया है? वेज बिरयानी है, सही बताओ। वेज बिरयानी एग्जिस्ट करती है ना? बिल्कुल सर। देखो बताओ, देखो मैं कह रहा हूँ शादियों में वेज बिरयानी होती, तुम लोग कहते हो वेज बिरयानी नहीं होती। वेज बिरयानी होती भाई, ये देखो इस तरीके से दिखते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि वेज बिरयानी नहीं होती, वो उसकी शक्ल देख लो एक बार, इधर आओ दिखाइए भाई इसको। ये होती है भाई वेज बिरयानी। कौन कहता है कि वेज बिरयानी नहीं होती भाई? ये आगे दाल मखनी गर्मा गर्म ठंडे ठंडे मौसम में, ओए 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 ओए, अभी मिक्सअप हो जाता सारे कटोरी लाते हैं। भाई मेरे को ना पहले लगा नहीं था कि कभी मैं प्रियंका दी की शादी में बफे दिखाऊंगा, मतलब बफे क्वीन की शादी में बफे दिखाऊंगा। बफे की वीडियो ना प्रियंका दी ने शुरू करी थी और उसके बाद से तो लोगों ने लड़ियां लगा दी, और पीछे तो मैं ढोल के आवाज आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि भाई अर्षा भाई और प्रियंका दी की एंट्री हो चुकी है। जल्दी से प्लेट लगाते हैं, वहां चलते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर आपको आके दिखाएंगे टेस्ट में कैसा है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या भैया? मलाई, मटर मलाई। मेरे ख्याल से प्रियंका जी ने ना सारी अपनी बहुत सारी चीजें रखवाई हैं इसमें जो उनका फेवरेट है, और ऋषभ भाई की भी रखवाई हैं। तभी ना मेरे को एक भी चीज में धनिया नहीं दिखा अभी तक। ये आ गया हमारा कड़ी पकौड़ा। क्या क्या था भाई? कड़ी भी है, कड़ी के दीवाने हैं। और आप भी कड़ी लग रहे हो, आप भी कड़ी बने हुए, मैं भी कड़ी बना हूँ, हम सब कड़ी बने हुए हैं आज। इसमें क्या? अच्छा ब्रेड काउंटर। अच्छा ब्रेड ये खाली लगा रखा है, मगर जो ब्रेड होती है वो टेबल में सर्व होती है आपको फ्रेश। आज हम लोग भाई अर्नब रिजॉर्ट में खड़े हैं। ये जो वेन्यू है ना मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो खास बात है मेरे को लगी भाई पूल साइड। इधर देखो, ये पूल साइड के साइड में ना आपको बफे मिलता है। अगर आप ब्रेकफास्ट करने भी इस रिजॉर्ट में रहने आ रहे हो तो भाई आपको ना यहाँ पे ये बफे मिलने वाला है। बट ऑप्शन अलग अलग होते हैं, जब ब्रेकफास्ट होगा तो उसमें अलग अलग चीजें होंगी ना। गुलाब जामुन लू या हलवा लू? मैं कंफ्यूज हो गया, हलवा कौन सा भैया? मूंगी दाल का हलवा। ये रेडी कर लेते हैं। एक शादी की प्लेट असली तभी रेडी होती है जब उसमें आखिरी में स्वीट डाला जाए, और हम लोगों ने वो डाल लिया। पता क्या होगा थोड़ी देर बाद, देखना सबने ऐसे बह रहा होगा गुलाब जामुन निकल के, मेरा शाही पनीर में डूबते निकल रहा होगा। ओ संजू दी आ गई। संजू दी कड़ी खाओ, आप कड़ी लग रहे हो। कड़ी नहीं लग रही है। कड़ी तो लग रहा, कड़ी खाओ। No. अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैं करूँ क्या? मैं पहले खाना खाऊं या अपनी बहन की वो एंजॉय करूं? हल्दी आप होते मेरे जगह तो क्या करते? ये मैं कर लेता हूं, तो आप मुझे वोट अटेंड कर रहे। ये कह रहा है कि ये खाना मैं एंजॉय कर लेता हूं, आप वोट अटेंड करिए। आइए दिखाते हैं आपको, आ जाओ। डेकोरेशन बहुत अच्छे लगे गाइस, लुक एट दिस। और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हैं, आई एम सो हैप्पी। भाई दिस इज द ड्रीम ड्रीम हल्दी सेरेमनी। मैंने सब बचपन में सोचा था कि इस तरीके से हो रही है। थैंक्स यू अर्नब रिजॉर्ट। उन्होंने कहा गाइस आप भी ना सोनीपत रहते हो, दिल्ली रहते हो या पानीपत रहते हो ना, एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग बन सकता है आप लोगों के लिए। अभी मुझे ना भाई यहां पे आप कॉल तो करो, पूछो तो सही, मजा आएगा। अभी मुझे लग रहा है बहुत ही स्मूथ, सोच लेते हैं एक बार ट्राई कर लेते क्या क्या बचा कुछ है, क्योंकि हम लोग लेट हल्दी लगी डांस कर लिया, फोटोज खिंचवा लिए, खाने की बारी। बस ये हम जो खा रहे थे ना स्नैक्स में, पनीर और ये पनीर टिक्का तंदूरी मलाई चाप, ये सब सब कुछ यही था। और ये देखो ये देखो ये देखो ये हमारे रिश्ते यार, कुछ हमारे लिए छोड़ दो यार। क्या मैडम की हल्दी लग गई है, क्या खा रहे हो? गाजर का हलवा यार। गाजर नहीं, मूंग दाल का है। ये मीठे के शौकीन लोग ना कुछ भी मिला के खाते हैं, मतलब आइसक्रीम में गुलाब जामुन मिला देंगे। अभी इन्होंने हलवा और गुलाब जामुन को मिला दिया। आपको कैसे लग रहे हैं? आपको कैसे लग रहे हैं यहाँ पे आगे? बहुत अच्छा, मजा आया। दीदी की हल्दी रॉकिंग रॉकिंग। हाँ भी आपको कैसे लगा? सोचा नहीं था ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। डाल के भी क्या लाए हम, चावल शाही पनीर और मलाई मेथी। मेरे को इसके साथ एक बाइट खिला दे, मेरे हाथों में हल्दी लगी हुई है यार, अब तो खिलानी पड़ेगी। मतलब आज तो खाना हमेशा अच्छा लगता था, आज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। रीजन आप लोगों को पता है क्यों? जिंदगी भर खिला सकते हैं तो मुझे ऐसे। बाय द वे मलाई मेथी सुपर अमेजिंग, मजा आ गया भाई। हमने ना जो फूडी होते हैं ना उन्हें डेकोर और प्लेसेस से कम फर्क पड़ता है, खाने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ का खाना सुपर अमेजिंग। सामान आ रहे हैं, दूल्हा दुल्हन यहाँ पे अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं छोड़ता किसी को। ओए होए, तो हम लोग करते हैं एंजॉय। और बहुत सारी रस्में अभी बाकी है, तो आप लोग वो रस्म देख सकते हो साड़ी गटी के इंस्टाग्राम पेज पे। तब तक मैं जाती हूँ, थोड़ा बहुत इंतजार करवाती हूँ आप लोगों को, तैयार शेयर होती है। रात में संगीत